हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यहां पर शीयर टेस्ट में जो लास्ट टेस्ट है दैट इज द वीन शीयर टेस्ट, उसके बारे में सीखेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने इसके पहले 3 शीयर टेस्ट के बारे में स्टडी कर लिया है। द प्रीवियस 3 शीयर टेस्ट वर, फर्स्ट वाज द डायरेक्ट शीयर टेस्ट, उसके बाद पढ़ा था हम लोगों ने ट्रायक्सियल शीयर टेस्ट, और थर्ड टेस्ट पढ़ा हम लोगों ने अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। अभी चौथा शीयर टेस्ट स्टडी करेंगे एंड दैट इज नथिंग बट दैट इज वीन शीयर टेस्ट। वीन शीयर टेस्ट क्या है, कैसा होगा, उसके बारे में समझते हैं यहां पर। कि अगर मान ली ये है आपकी एक वीन, वीन में मैं यहां पर टोटल 4 वीन्स यूज कर रहा हूं, 2 प्लेट्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर लगाकर मैं कुछ इस तरह का यहां पर डायग्राम बना के दिखा रहा हूं आप लोगों को। मान रहा हूं कि ये चारों के चारों वीन्स एक पर्टिकुलर कॉमन एक्सिस के अबाउट फिक्स्ड हैं, और ये जो पर्टिकुलर एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट इन वीन्स को घुमाने के लिए यहां एक हैंडल भी दिया हुआ है। मान लेते हैं ये है आपकी वीन्स के लिए हैंडल। अब ये जो पर्टिकुलर आपका हैंडल है, इसको अगर आप टॉर्क अप्लाई करेंगे तो ये पक्की बात है कि जो वीन्स है वो घूमना शुरू हो जाएगी। टॉर्क अप्लाई करने के लिए हम लोग यहां पर यूज करते हैं टॉर्शनल स्प्रिंग। टॉर्शनल स्प्रिंग से हम लोग टॉर्क अप्लाई करते हैं, और टॉर्क कितना अप्लाई करा ये हम लोग नोट डाउन करते हैं। हम ये जो पर्टिकुलर टेस्ट है बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है। हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर वेन को थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको सीधा मान लेंगे। इस वेन को हम लोग यहाँ पर कोई भी सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, और उसके बाद टॉप से टॉर्क लगा के इसको घुमाने की कोशिश करते हैं। कितने टॉर्क पे वहाँ पर सॉइल इस पर्टिकुलर वेन्स के साथ घूमने लगती है, उस टॉर्क को हम लोग यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं। पक्की बात है, अगर यहां हम चेक करें कि मान लेते हैं ये है ग्राउंड लेवल, और यहां पर मैंने इस तरह की वेन्स इंसर्ट की थी, और ये वेन्स घूमना शुरू कर देगी, तो क्या होगा अगर ये वेन्स घूमेगी, तो यहां पर एक फेलियर सरफेस बन जाएगा जिसके अबाउट वेन्स इजिली घूम रही होगी। अगर ऊपर से देखूंगा तो देखिए ये वेन्स है जरूर सेम लेंथ की और सेम विड्थ की, इसका मतलब कि जब घूमेंगी तब यहां पर एक इस तरह का सिलेंडर बन जाएगा इन द सॉइल, और ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर के में जो भी यहां पर सराउंडिंग की सॉइल है वो इस सिलेंडर वाली सॉइल से अलग हो जाएगी, और सिलेंडर वाली सॉइल सराउंडिंग की सॉइल के रिस्पेक्ट में घूमना शुरू कर देगी। ये जो पर्टिकुलर सिलेंडर होगा, इसका एक होगा टॉप सरफेस, एक होगा बॉटम सरफेस, और एक होगा आपका कर्व सरफेस एरिया। कितना एरिया से सराउंडिंग सॉइल रेजिस्ट करती है सिलेंडर के फॉर्मेशन और रोटेशन में, ये इस पर डिपेंड करेगा कि जो आपने वेन है वो कंप्लीटली इस सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करी है कि वेन का कुछ पार्ट ही सॉइल में पेनिट्रेटेड है। लेकिन ये पक्की बात है कि मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ दैट द अप्लाइड टॉर्क रिक्वायर्ड टू ओवरकम द रेजिस्टेंस फ्रॉम द सराउंडिंग सॉइल विल डिपेंड अपॉन द शीयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। और मैं यहां पर ये एज्यूम कर रहा हूं कि हर पॉइंट पे सॉइल की शीयर स्ट्रेंथ इक्वल होगी, ठीक है। तो यहां पर टोटल 2 तरह के केसेस बन सकते हैं इस तरह के वेन शीयर टेस्ट में। पहला केस बन सकता है दैट द वेन इज कंप्लीटली पेनिट्रेटेड इन द सॉइल, मतलब कि जो आपकी वेन है वो पूरी की पूरी तरह ही सॉइल के अंदर पेनिट्रेटेड हैं। तो ये पक्की बात है कि अगर मान ले ये है ग्राउंड लेवल या फिर सॉइल का लेवल, और आपने जो वेन यहाँ पर इंसर्ट करी वो कुछ इस तरह से ग्राउंड लेवल के नीचे तक जा रही है, और उसके बाद आपको इस पे टॉर्क अप्लाई करना है, ठीक है। अगर इस तरह का आप यहाँ पर कंडीशन में टॉर्क अप्लाई कर रहे हो, तो ये पक्की बात है कि जो यहाँ पर सिलेंडर बनेगा वो सिलेंडर के ऊपर भी सॉइल होगी, नीचे भी सॉइल होगी, और लैटरली कर्व सरफेस एरिया के सराउंडिंग में भी सॉइल होगी। इसका मतलब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ दैट द अप्लाइड टॉर्क, ध्यान दीजिएगा मैं जो इक्वेशन लिख रहा हूँ उस पर, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ दैट द अप्लाइड टॉर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट दिस पर्टिकुलर वेन इन दिस कंडीशन विल बी इक्वल्स टू द टॉर्क रिक्वायर्ड टू ओवरकम द
resistance from curved surface area of the cylinder formed, and also the resistance or the resistance from the टू फेसेस ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि पक्की बात है यहां पर ऊपर की तरफ भी सॉइल है सिलेंडर के, नीचे की तरफ भी सॉइल है, इसका मतलब जो रेजिस्टेंस होगा वो इसके टॉप सरफेस, टॉप फेस ऑफ द सिलेंडर से भी मिलेगा और बॉटम फेस ऑफ द सिलेंडर से भी मिलेगा. इसका मतलब मैं यहां पर ये बोल सकता हूं दैट इट विल बी ट्वाइस ऑफ द टॉर्क रिक्वायर्ड टू ओवरकम द रेजिस्टेंस फ्रॉम वन फेस, बिकॉज टू फेसेस आर participating in resisting the rotation of this particular cylinder. But यहाँ पर केस थोड़ा सा अलग हो जाएगा अगर आपने वेन को completely penetrate नहीं करा. That means if vein is partially penetrated in the soil, तब वहां पर जो cylinder बनेगा, जैसे मान लेते हैं अगर ये है vein और vein को आपने यहाँ पर completely penetrate नहीं करा, ये था ground level. पक्की बात है कि जब आप इस पे टॉर्क अप्लाई करोगे तो जो सिलेंडर बनेगा वो सिलेंडर इस सरफेस पे बनेगा. इस सिलेंडर के ऊपर की तरफ तो एयर है और एयर का रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट किया जा सकता है, जबकि कर्व सरफेस एरिया में भी सिर्फ यही हाइट जो स्मॉल एच होगी उसी हाइट के सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया से रेजिस्टेंस मिलेगा और बॉटम फेस से भी रेजिस्टेंस मिलेगा. इसका मतलब कि यहां मैं जब अप्लाइड टॉर्क बोलूंगा तो मैं बोल सकता हूं दैट इट विल बी इक्वल्स टू द टॉर्क रिक्वायर्ड टू ओवरकम द रेजिस्टेंस फ्रॉम द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हाइट स्मॉल एच एंड टॉर्क रिक्वायर्ड टू ओवरकम द रेजिस्टेंस फ्रॉम ओनली वन फेस. सो ये बेसिक डिफरेंस हो जाता है अगर मैं जो टेस्ट है उसको करने का तरीका चेंज कर दूं तो. अब किस तरह से यहां पर जो भी हमारे फाइनल आंसर्स होंगे वो चेंज होंगे उसके बारे में हम समझते हैं. बट अभी जरा यहां पर ये समझते हैं कि कितना टॉर्क रिक्वायर्ड होगा टू ओवरकम द रेजिस्टेंस फ्रॉम अ कर्व सरफेस एरिया एंड टू ओवरकम द रेजिस्टेंस फ्रॉम द फेस. दोनों की वैल्यूज हम लोग अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं. सबसे पहले मैं यहां पर कैलकुलेट कर रहा हूं TCSA. TCSA क्या है? दिस इज नथिंग बट दिस इज द टॉर्क रिक्वायर्ड टू ओवरकम द रेजिस्टेंस, टू ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कर्व्ड सरफेस एरिया. ठीक है, मुझे यही कैलकुलेट करना है. तो यहां पर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि हर एक पॉइंट पर शीयर स्ट्रेंथ क्या है, इक्वल है. कर्व सरफेस एरिया दिखाना चाहूं तो देखिए ये है कर्व सरफेस एरिया. मान लेते हैं यहां से यहां से यहां से ये सभी पॉइंट से कर्व सरफेस एरिया की हर एक पॉइंट से कितना यहां पर रेजिस्टेंस मिल रहा है, दैट इज शीयर स्ट्रेंथ कैपिटल एस. मुझे कैपिटल एस ही निकालनी थी. सो मैं मान लेता हूं अभी TCSA कैलकुलेट करना है. टॉर्क का फॉर्मूला मैं जानता हूं, क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और लीवर आर्म. ठीक है, मुझे यहां पर शीयर स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला चाहिए. शीयर स्ट्रेंथ कुछ और नहीं है बल्कि ये एक स्ट्रेस है जिसपे फेलियर होगा. और मुझे अगर फोर्स लिखना है तो मुझे पक्की बात है स्ट्रेस के साथ एरिया मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. कर्व सरफेस एरिया पूछा जाए तो कितना होगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू पाई डी स्क्वायर और सॉरी दैट विल बी इक्वल्स टू पाई डी इंटू एच. ये हो जाएगा एरिया. सो स्ट्रेस इंटू एरिया विल बी द फोर्स. कितने डिस्टेंस पर एक्ट कर रहा होगा, तो पूरे कर्व सरफेस एरिया का डिस्टेंस कितना होगा सेंटर से, तो दैट विल बी इक्वल्स टू डी बाय टू रेडियस के बराबर. इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं दैट TCSA विल बी इक्वल्स टू एस पाई डी स्क्वायर एच बाय टू. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं टी फेस निकालना चाह रहा हूं तो टी फेस के लिए मेरे को पहले फेस बनाना चाहिए. सिलेंडर का फेस एक सर्कुलर एरिया बन जाएगा और अगर ये सर्कुलर एरिया में मैं चेक करूं हर एक पॉइंट से जो रेजिस्टेंस है उसकी स्ट्रेस की वैल्यू, तो मेरे को पता है कैपिटल एस होगी. लेकिन अगर ये सेंटर मान लेता हूं तो सेंटर से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस अलग अलग है. ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे यहां पर टॉर्क कैलकुलेट करना था और टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए जब मैं यहां पर डिस्टेंस मल्टीप्लाई करना चाहूंगा तो हर एक पॉइंट का डिस्टेंस अलग अलग है. तो क्या हर एक पॉइंट को अलग अलग लेंगे? नहीं, हम यहां पर एक्चुअली एक ऐसा एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे जिसके हर एक पॉइंट पर एटलीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर सेम रहे. तो मैं यहां पर एक रिंग कंसीडर कर रहा हूं जिसकी थिकनेस है dr
और वो जो पर्टिकुलर रिंग है उसका रेडियस में मान लेता हूं स्मॉल आर है। तो देखिए मुझे यहां पर टॉर्क लिखना था, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स की जगह मैं लिख सकता हूं शियर स्ट्रेंथ इनटू एरिया, बट शियर स्ट्रेंथ एस तो एक्ट कर रहा है, लेकिन यहां पर जो मैंने एलिमेंट लिया दैट इज अ रिंग, और रिंग का एरिया कितना होगा तो 2πr विल बी द लेंथ ऑफ द रिंग, जबकि इनटू dr करूंगा तो लेंथ इनटू थिकनेस मिल जाएगी, दैट मींस इट विल बी द एरिया। स्ट्रेस इनटू एरिया इज द फोर्स, कितना डिस्टेंस होगा हर एक पॉइंट का ऑन द रिंग से, रिंग के सेंटर से, तो दैट विल बी स्मॉल r। लेकिन पक्की बात है ऐसी एक रिंग तो होगी नहीं, बहुत सारी रिंग्स होंगी, इसीलिए जब मैं रिंग एलिमेंट ले रहा हूं तो मुझे यहां पर बहुत सारी स्मॉल r वाली रिंग्स को ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करने के लिए मैं यहां पर करूंगा इंटीग्रेशन। जो स्मॉल r की वैल्यू होगी वो कैसे वेरी करेगी, तो दैट विल वेरी फ्रॉम द जीरो टू कैपिटल r। कैपिटल r क्या है, तो ये जो आपका सिलेंडर होगा उसका टोटल रेडियस, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा s, यहां पर कॉन्स्टेंट है 2πi, यहां पर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 0 टू कैपिटल R, अंदर बच जाएगा R स्क्वायर dr। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2s pi r क्यूब बाय 3, ठीक है। डायमीटर के फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये आ जाएगा 2 बाय 3 s pi d क्यूब बाय 8, ये 2 और 8 कैंसल आउट हो जाएगा 4 बन जाएगा, दैट मींस मैं ये बोल सकता हूं दैट टी फेस विल बी इक्वल्स टू एस पाई डी क्यूब बाय 3 इनटू 4 इज 12, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों फॉर्मूलेस डिराइव हो जाते हैं, लेकिन फॉर्मूलेस अगर ये दोनों डिराइव हो गए हैं तो मैं इजीली इन दो अलग-अलग केसेस के लिए अप्लाइड टॉर्क के लिए फॉर्मूला लिख सकता हूं। पहले केस के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, लिखते हैं यहां पर अप्लाइड टॉर्क विल बी इक्वल्स टू TCSA। मैं मान लेता हूं टोटल हाइट ऑफ द सिलेंडर इज कैपिटल H, तो TCS इज S पाई d स्क्वायर कैपिटल H बाय 2 प्लस ट्वाइस ऑफ फेस, ट्वाइस ऑफ फेस मतलब ये हो जाएगा मेरा S पाई d क्यूब बाय 12 इनटू 2 दैट इज 6। सो ये हो जाएगा मेरे फर्स्ट केस के लिए फॉर्मूला। सेकंड केस के लिए फॉर्मूला लिखना चाहूं तो वो बन जाएगा TCSA, लेकिन अब जो कर्व सरफेस एरिया होगा उसकी हाइट कुछ अलग होगी, सो लिख देते हैं पाई डी स्क्वायर एच बाय 2 प्लस एक फेस, वन फेस मतलब ये हो जाएगा एस पाई डी क्यूब बाय 12। सो ये फॉर्मूला बन जाता है हमारा अप्लाइड टॉर्क का, और इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में अगर चेक करें तो अप्लाइड टॉर्क तो आप ऑब्जर्व करोगे कितना टॉर्क लगाने पे घूम जाता है, ये सिलेंडर बन जाता है वो टॉर्क तो आप ऑब्जर्व करोगे, मतलब TA आपको पता है, S की वैल्यू शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू आपको निकालनी है, D और H क्या होगा तो दैट इज ऑलरेडी नोन क्योंकि आपको यहां पर वेन के डाइमेंशंस दिए गए होंगे। So, इस तरह से आप यहां पर TA पता है, पाई डी डी स्क्वायर और H दोनों पता है, D भी पता है, सिर्फ यहां पर एक अननोन बच जाएगा दैट विल बी द शियर स्ट्रेंथ, और यही आपका यहां पर ऑब्जेक्टिव था, दैट वाज टू डिटरमाइन द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। सो ये था आपका वेन शियर टेस्ट, लेकिन इस वेन शियर टेस्ट में यहां पर ये बात ध्यान रखना दैट दिस टेस्ट इज एक्चुअली प्रेफर्ड ओनली फॉर द सॉफ्ट क्ले, बिकॉज सॉफ्ट क्ले में पहली बात तो इस तरह का जो सिलेंडर बनेगा उसमें 100% एरिया कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब जो भी मैंने यहाँ पर एरिया कंसीडर किया है वो एरिया 100% कंट्रीब्यूट करता है क्ले में। अगर सैंड होती तो सैंड में इस तरह का कोई जरूरी नहीं है 100% कॉन्टेक्ट एरिया शियर स्ट्रेंथ को कंट्रीब्यूट करे, इसीलिए सॉइल यहाँ पर प्रेफर करते हैं सॉफ्ट क्ले। जबकि इसके अलावा एक बात और यहाँ पर याद रखनी है कि ये जो टेस्ट है ये टेस्ट भी आप सेंसिटिविटी कैलकुलेट करने के लिए प्रेफर कर लेते हो। सेंसिटिविटी क्या होती थी तो वो मैंने जस्ट आपको इसके पिछले वाले टेस्ट में बताया था दैट इट इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सॉइल टू द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द रीमोल्डेड सॉइल। तो चलिए खैर यहाँ पर खत्म होते हमारे चारों तरह के शियर टेस्ट। चार टेस्ट के नाम वापस से रिपीट कर देता हूं, पहला था डायरेक्ट शियर टेस्ट, दूसरा था आपका ट्रायएक्सियल शियर टेस्ट, थर्ड था आपका अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, और चौथा है आपका वेन शियर
टेस्ट, चारों टेस्ट किस तरह से करते हैं, रिजल्ट्स किस तरह से निकालते हैं, कैलकुलेशंस, डेरिवेशंस, कौन सी सॉइल के लिए प्रेफर करोगे वगैरह वगैरह, सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं इन द प्रीवियस 4 वीडियोस। आई होप शायद ये सारे शीयर टेस्ट आपको माइंड में 100% क्लियर होंगे। बार बार रिवाइज करके याद रखना जिम्मेदारी आपकी है, एक बार समझा देना और आपको हमेशा यहाँ पर सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर करवाना वो जिम्मेदारी मेरी थी। मैंने वो जिम्मेदारी पूरी कंप्लीट कर दी है, चारों टेस्ट आप लोगों को समझ में आ चुके हैं। अब ये आप लोगों के ऊपर है, आप कितना अच्छे से रिवाइज करके इसको एग्जाम टाइम तक याद रख पाते हो। आई होप शायद अभी तक पूरा मजा आया होगा सारे लेक्चर्स में। अगले लेक्चर्स में मिलते हैं हम लोग कुछ और नए टॉपिक के साथ। शीयर्स 10 चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा पार्ट अभी और बाकी है, ऑलमोस्ट एंडिंग पर हम लोग यहाँ पर है। कितने लेक्चर्स बाकी है वो तो आप लोग खुद काउंट करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।